यह घटना मेरे साथ उस दिन घटी जब मैं 16 साल की उम्र में एक नए घर गया था। मैंने वहाँ कॉलेज में नए दोस्त भी बना लिए थे। मेरे डैड मुझे हमेशा पढ़ने का कहते थे, लेकिन मैं ओमेगल पर मजे करता था। ओमेगल पर काफ़ी अजीब लोग आते थे। कुछ लोग डरे हुए होते थे और कुछ लोग तो बिल्कुल डरावने होते थे और कुछ लोग किलर्स जैसे थे। एक दिन एक अजीब सा आदमी ओमेगल पर आया जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन दिखने में वो मेरी ही एज का लगता था। मैं उससे उसके बारे में पूछने ही वाला था कि उसने मुझे रोक दिया और बोला, रुको, मैं तुम्हें अपने कुछ डार्क सीक्रेट्स बताता हूँ। मैं उसकी बात से हैरान हो गया और मैं उसकी तरफ देखने लगा। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास चीज़ है जो किसी को नहीं पता। और फिर वो अपनी विंडो की तरफ जाने लगा और वहाँ से एक बैग निकाल कर बाहर ले आया। ये देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज। और उस बैग में एक लड़की की लाश थी जिसके सर में चाकू घुसा हुआ था। मैं उसको देख के डर गया और वहाँ से भाग गया, और मुझे उस लाश की वजह से उल्टियाँ आने लगी। और उस दिन के बाद से मैंने ओमेगल पर जाना बंद कर दिया। न जाने उस आदमी के इरादे क्या थे।